न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आज ही जाने को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी रीज़न के कारण अपना पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है और आप उसका स्टेटस जानना चाहते थे, क्या वो बन चुका है, क्या डिस्पैच हो चुका है या अभी प्रोसेस में है, तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे उसका स्टेटस। तो चलिए आज हम आपको इस विषय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। तो पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद हमें तो समय 5 दिन के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है जो इस तरह होती है। जिसके पास हमने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है हम उससे ये स्लिप ले सकते हैं। इस स्लिप तो मैंने थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न के कारण ब्लर किया हुआ है और इस स्लिप में ऊपर यहाँ टैक्स इनवॉइस सम एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आप तो एक नंबर दिया हुआ होता है जो कि 15 नंबर का होता है, यानी 15 लेटर्स का होता है। तो आप कैसे इसका स्टेटस जाने दे, तो इसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप इस नंबर को कॉपी कीजिए। तो आप इस नंबर को कॉपी कीजिए और अपने SMS बॉक्स में जाइए। वहाँ पर आप तो सबसे पहले ये मैसेज भेजना है 57575 पर। उसके बाद नीचे वो टेस्ट लिखना है। उस नंबर से पहले आप तो लिखना है NSDL। ये NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इंडियन गवर्नमेंट की ब्रांच होती है जो हमारे सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रीजन का देख रेख करती है। और इसके बाद हमें लिखना है पैन और अपना वो नंबर जो हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप में दिया गया है। मैंने जहाँ पर नंबर कॉपी पेस्ट किया उसे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आप तो NSDL का एक रिटर्न मैसेज आएगा जो कि आपसे उस स्टेटस के बारे में बताएगा कि आपका पैन कार्ड कितना प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ पर मैंने पैन कार्ड में बताया गया है कि मेरा पैन कार्ड डिस्पैच हो चुका है रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, तो और वो मुझे 1 अप्रैल तक मिल जाएगा। इससे पहले मुझे आया था कि पैन नंबर अलॉट हो चुका है, यानी कि मेरे नाम था एक पैन नंबर जारी कर दिया गया है और जल्द ही भविष्य में उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहे, ऐसे मोर अपडेट के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।